Hello, JEE aspirants. Myself, Gaurav Sharma, will like to quote Aristotle today. एक एरिस्टोटल ने बहुत अच्छी बात कही है, आज मैं आपके संग शेयर करना चाहता हूँ. Excellence is never an accident. It is a combination of high intention, sincere effort and intelligent execution. जी हाँ बच्चों, अगर किसी को एक्सीलेंस कभी भी प्राप्त करना है किसी भी चीज़ के लिए, तो इंटेंशंस तो हाई चाहिए, एफर्ट भी सिंसियर चाहिए और इंटेलिजेंट एग्जीक्यूशन भी चाहिए. जी हाँ बच्चों, अगर इसी चीज़ को हम लोग चाहें तो रिलेट कर सकते हैं अपने जेई एडवांस एग्जामिनेशन से. जी हाँ बच्चों, जेई एडवांस एग्जामिनेशन इज ऑल्सो अ वर्क ऑफ एक्सीलेंस और इसमें किसी को मानने में जरा सा भी डाउट नहीं होगा, किसी को ये बात मानने में जरा सी भी तकलीफ नहीं होगी कि इस एक्सीलेंस को अचीव करना कोई एक्सीडेंट नहीं है. इसके लिए प्रॉपर हाई इंटेंशन चाहिए, सिंसियर एफर्ट चाहिए और नो डाउट इंटेलिजेंट एग्जीक्यूशन तो चाहिए. मैं आपको बताने जा रहा हूँ LNJEE यूट्यूब चैनल पे जो हम JEE एडवांस सीरीज लेकर आ रहे हैं तेजस, वो सारी इन सब बातों को डील करते हुए आपको लेके आगे जाएंगे. चलिए उसके बारे में थोड़ा सा और बात करते हैं. हम सब लोग ये कहते हैं ना कि IIT का एग्जामिनेशन वन ऑफ द मोस्ट डिफिकल्ट एग्जामिनेशन है. क्या ये बात सही है? एक्चुअली अगर आप LNJEE यूट्यूब चैनल पे हैं तो ये बात सच नहीं है. IIT JEE एडवांस एग्जामिनेशन डिफिकल्ट एग्जामिनेशन नहीं है, पर हाँ एक्सलेंस अचीव करने के बाद ही उस एग्जामिनेशन को आप क्रैक कर सकते हैं. तो हम लोग अपनी इस JEE एडवांस सीरीज तेजस में उस एक्सलेंस को कैसे अचीव करना है उसके बारे में कुछ बातें जरूर करेंगे. उस सीरीज की खासियत क्या है? देखिए, अभी मैंने बोला एक्सीलेंस इज नॉट एक्सीडेंटल. जी हाँ, हमें एक हाई इंटेंशन के संग काम करना है. मैं अगर आपको एक बात बोलूँ आज अपने बारे में, मैंने भी अपने टाइम पे JEE की प्रिपरेशन की थी. मेरे भी हाई इंटेंशन थे यार, कुछ भी करके मुझे टॉप IIT में कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग ब्रांच से BTech करनी है. और मैं आपको बताऊँ, मुझे कहते इनफैक्ट खुशी हो रही है कि मैंने फाइनली BTech कंप्यूटर साइंस किया फ्रॉम IIT दिल्ली. तो आज मैं जो आपको बताने जा रहा हूं, इट इज डायरेक्टली फ्रॉम द हॉर्सेस माउथ. जैसे हाई इंटेंशन, आपको कहीं ना कहीं इंटेंशन ऐसे रखने ही पड़ेंगे कि मुझे बढ़िया रैंक लानी है और मुझे बढ़िया टॉप IIT क्रैक करना है. तो JEE एडवांस सीरीज जो हमारी आ रही है तेजस, ये उन्हीं बच्चों के लिए है जिनके इंटेंशन हाई हैं, इंटेंशन प्योर हैं और टारगेट्स भी हाई हैं. और दूसरी बात अगर हम करें कि अगर ये बात है इंटेंशन हाई है तो सिंसियर एफर्ट्स, जी हाँ सिंसियर एफर्ट्स की अगर मैं बात करूँ तो एफर्ट्स तो एक बार हमारा टारगेट हमारे दिमाग में आता है तो इन लाइन आ ही जाते हैं. हमारे एफर्ट्स अपने आप उस लाइन में अपने आप आ जाते हैं. दे कम इन सिलाई रेजोनेंस विद अ हाई इंटेंशंस, हाई टारगेट्स जो हमें अचीव करने हैं. एंड फाइनली जब हमारे एफर्ट्स में इंटेलिजेंट एग्जीक्यूशन भी आ जाता है तो फिर तो JEE एडवांस का एक्सेलेंस आ ही जाएगा. फिर आप बोलेंगे सर इसको थोड़ा सा और बताओ, ये तो बात समझ में आ गई, पर हम अब इसको JEE एडवांस प्रिपरेशन में कैसे लेकर आएंगे? तो इसी के बारे में डील करती हुई आएगी हमारी JEE एडवांस सीरीज तेजस LNJEE यूट्यूब चैनल पर. तो इसमें अगर हम और डिटेल में मैं आपको बताना चाहूँ तो क्या करने वाले हैं. पहली बात, ये तो सबको पता है, क्या पता है भाई, JEE एडवांस क्रैक करना है तो हमारे पास हाई प्रोफिशिएंसी तो होनी चाहिए. हमें हाई प्रोफिशिएंसी तो डेवलप करनी ही पड़ेगी फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स में. इसके साथ साथ इन तीनों सब्जेक्ट्स में एक प्रॉपर बैलेंस बनाना पड़ेगा. आप सब लोग इस बात से एग्री करते हैं, पर मैं आपको बताऊं दिस इज नॉट द एंड पॉइंट. जी हाँ, ये प्रिपरेशन का स्टार्टिंग पॉइंट है. JEE एडवांस एग्जामिनेशन को क्रैक करने का ये स्टार्टिंग पॉइंट है. आप कह रहे होंगे सर ये कैसे कह रहे हो, सच्चाई यही है. ऐसे कितने सारे बच्चे होते हैं जिनका JEE एडवांस के पर्सपेक्टिव से प्रोफिशिएंसी टुवर्ड्स फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स बढ़िया है, उनके बीच में उन्होंने बैलेंस भी बना लिया, पर क्या सभी टॉपर बन जाएंगे? टॉपर तो फिर भी सारे नहीं बनेंगे. इसीलिए मैंने बोला यहाँ पे तो स्टार्टिंग पॉइंट शुरू हुआ है, ये एंड पॉइंट नहीं है. तो सर अब क्या करना है? यही करना तो सिखाने वाले हैं हम आपको JEE एडवांस सीरीज तेजस में. फिर भी मैं आपको थोड़ा सा इसके बारे में और बताता हूँ. बेसिकली
जेईई एडवांस एग्जामिनेशन हमेशा आपको एक नए फ्लेवर के साथ क्वेश्चन लेकर आता है। बिल्कुल बात आपको एग्री करेंगे, कंसेप्ट तो वही होते हैं पर एक नई सोच के साथ वो क्वेश्चंस लेकर आता है। क्या हम लोगों ने खुद को उसके लिए तैयार कर लिया? अगर नहीं किया तो आप देख सकते हैं दिस इज गोइंग टू बी अ डिफरेंशिएटर बिटवीन दो स्टूडेंट्स हु हैव गुड प्रोफिशिएंसी इन फिजिक्स केमिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स। दे हैव क्रिएटेड अ बैलेंस बिटवीन द थ्री सब्जेक्ट्स बट स्टिल दे आर फार अवे फ्रॉम टॉप रैंक्स इन IIT JEE एडवांस एग्जामिनेशन। तो एक बात तो समझ में आ गई कि एक फैक्टर क्या है, एक फैक्टर वो डेवलप करना है एग्जामिनेशन एप्टीट्यूड। एग्जामिनेशन एप्टीट्यूड JEE एडवांस का ये डिमांड करता है कि हमें नए फ्लेवर के क्वेश्चंस उन्हीं कॉन्सेप्ट्स पे करने आने चाहिए। भैया आप कैसे सीखेंगे? अरे बताया ना, हम लोग लेकर आ रहे हैं LN JEE यूट्यूब चैनल पे JEE एडवांस सीरीज तेजस। आपको तो पता है LN अगर कुछ करता है तो एक्सलेंस अचीव करने के लिए करता है। तो हमारी इस तेजस सीरीज में हम ये लेकर ही आएंगे कि कैसे आप लोग एग्जामिनेशन एप्टीट्यूड डेवलप कर लेंगे। ऐसा नहीं है कि हम ये बोलेंगे कि इतने बजे उठना है, इतने बजे जगना है तो तेरा एग्जामिनेशन एप्टीट्यूड डेवलप हो गया। नहीं नहीं, हम क्या करेंगे, हम कहेंगे बेटा हमारे साथ साथ तू LN JEE यूट्यूब चैनल पे हमारी तेजस सीरीज को फॉलो करता जा। आपको पता भी नहीं चलेगा कब हमने वो आपका एग्जामिनेशन एप्टीट्यूड डेवलप कर दिया जो कहीं ना कहीं आपको तैयार कर देगा उन न्यू फ्लेवर वाले क्वेश्चंस के लिए जो JEE एडवांस एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं। चाहे कंसेप्ट्स वही हैं पर जो क्वेश्चंस होते हैं उसमें कुछ नयापन तो हमेशा होता है। दूसरी बात, कई बार JEE एडवांस एग्जामिनेशन आपको पैटर्न से सरप्राइज करता है। पता है सबको, पैटर्न कभी फिक्स नहीं हुआ JEE एडवांस एग्जामिनेशन का, वो डिक्लेयर भी नहीं करते। आपको समझ में आ रही है बात, क्या डिफरेंस आ गया? JEE मेन का पैटर्न फिक्स है, हर साल वही 20 क्वेश्चंस आ रहे हैं सिंगल चॉइस के, 10 क्वेश्चन आ रहे हैं इंटीजर से, उसमें से 5 करना आपको नेसेसरी, यही होता है। पिछले साल भी यही था, इस साल भी यही है, नेक्स्ट ईयर भी यही होगा। मतलब पैटर्न का भी सरप्राइज एक इम्पॉर्टेंट एलिमेंट है JEE एडवांस एग्जामिनेशन की एक्सीलेंस पाने के लिए। तो ये कैसे होगा, ये भी हम लोग कहीं ना कहीं इंश्योर करेंगे अपनी JEE एडवांस सीरीज तेजस में। जी हाँ, हम लोग उसमें आपको कहीं ना कहीं इस चीज़ में एक एग्जामिनेशन एप्टीट्यूड डेवलप कराने में मदद करने वाले हैं, जिससे कि आप पैटर्न सरप्राइजेस के लिए भी बढ़िया हो जाएंगे। यानी कि आपका एक नया एग्जामिनेशन एप्टीट्यूड डेवलप कराना है हमें, चाहे हमें पता है आपका फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स में प्रोफिशिएंसी हाई है, आपने तीनों में बैलेंस भी बना लिया, पर एग्जामिनेशन एप्टीट्यूड तो ये डिमांड करता ही है कि हम वो नए फ्लेवर के क्वेश्चंस जो चाहे उन्हीं सेम कॉन्सेप्ट्स पे आ रहे हैं उसको बढ़िया से टैकल कर पाए। हमें ये जो भी नया पैटर्न सरप्राइज मिलने वाला है JEE एडवांस एग्जामिनेशन में, क्या वो हमारे लिए सरप्राइज हो जाएगा? वो हमारे लिए एक्चुअली सुखद होना चाहिए। ये एग्जामिनेशन एप्टीट्यूड डेवलपमेंट कहता है। तो आप जो हमारे को फॉलो करोगे JEE एडवांस सीरीज तेजस में, कहाँ पे? LN JEE यूट्यूब चैनल पे, वहां पे एग्जामिनेशन एप्टीट्यूड का डेवलपमेंट हो जाएगा। अब मैं एक और लेवल पर, तो मैंने शायद आपको पहले भी बोला हो कि JEE एडवांस सीरीज जो हमारी Level 1, Level 2, Level 3 तक जाएगी। Level 1 की बात हमने कर ली, क्या? हाई लेवल ऑफ प्रोफिशिएंसी इन ऑल द थ्री सब्जेक्ट्स, फिजिक्स केमिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स विद अ बैलेंस बिटवीन ऑल द थ्री। सेकेंड बात, एग्जामिनेशन एप्टीट्यूड की बात कर ली हमने, मतलब हमारे पास वो एप्टीट्यूड हो कि हम नए फ्लेवर वाले क्वेश्चंस को जो JEE एडवांस पूछता है अपने एग्जामिनेशन में उनको बढ़िया से टैकल कर पाएं, और जो सरप्राइजेस आने वाले हैं पैटर्न को लेके वो हमारे लिए सुखद हो। इतना हो गया क्या? नहीं, एक्चुअली अभी भी वो एक चीज बची हुई है जिसकी वजह से आप लोग सिंगल डिजिट रैंक लेकर आने वाले हैं। सिंगल डिजिट रैंक लाने का सपना बनाना पड़ेगा, हाई इंटेंशन चाहिए। तो वो सर और क्या चाहिए, एक चीज और होती है जिसको हम बोलते हैं कि आपकी प्रिपरेशन में इतनी मैच्योरिटी आ जानी चाहिए, आपकी थॉट प्रोसेस में ये आना ही चाहिए। क्या Level 3 क्या है? वो है हाउ टू रीड द माइंड ऑफ एग्जामिनर। जब बच्चा इस बात को भी सोचने लगता है कि ये क्वेश्चन बनाने से पहले, ये क्वेश्चन जब JEE एडवांस में जिस एग्जामिनर ने हमें पोस्ट किया है उन्होंने जो भी ये क्वेश्चन हमारे सामने रखा है उसके पीछे एग्जामिनर के माइंड में क्या चल रहा था। जी हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कई बार क्या होता है, हम किसी भी क्वेश्चन को इंटरप्रिटेशन में
ओवर रीड कर जाते हैं, वो तक सोच जाते हैं जो शायद एग्जामिनर ने आपसे एक्सपेक्ट ही नहीं किया था। तो क्या ये कैसे करना है, ये भी तो हम जे एडवांस सीरीज तेजस में लेकर आएंगे। हम आपको इक्विप्ड करने वाले हैं इस लेवल 3 प्लानिंग से भी, जिसमें हर स्टूडेंट एग्जामिनर का माइंड रीड कर पाए। एक बार आपने एग्जामिनर का माइंड रीड कर लिया, समझ लीजिए आपने जे एडवांस को कॉन्कर कर लिया, आपने जे एडवांस एग्जामिनेशन को क्रैक कर लिया। तो बेसिकली बच्चों, मैं आपको बहुत सिंपल तरीके से बता रहा हूँ, जिसने प्रोफिशिएंसी ले ली फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स में, तीनों सब्जेक्ट्स में बैलेंस बना लिया, जिसने एग्जामिनेशन एप्टीट्यूड डेवलप कर लिया, नए फ्लेवर ऑफ क्वेश्चंस उन्हीं कंसेप्ट पे टैकल करने का, जिसके पास पैटर्न सरप्राइज क्या सुखद अनुभव होने लगे, और जो फाइनली वो एप्टीट्यूड डेवलप कर ले कि हाउ टू रीड द माइंड ऑफ एग्जामिनर, मैं आपको बता रहा हूँ वो बच्चा सिंगल डिजिट रैंक लाने लायक बन गया। तो पक्की बात है, जिसको सिंगल डिजिट रैंक लानी है उसको फॉलो करना है क्या, LNJEE यूट्यूब चैनल पे जे एडवांस सीरीज तेजस। तो कहीं मत रुकिएगा, रुकना यही है, चलना यही है, एक्सेलेंस यहीं से पानी है। तो जिस बात से मैंने आपको शुरू किया था मैं फिर से बोलूंगा, क्या एक्सीलेंस इज कैनॉट बी अचीव्ड बाय एन एक्सीडेंट, एक्सीलेंस इज नॉट एन एक्सीडेंट, एक्सीलेंस इज नॉट एन एक्सीडेंट, इट इज अ कंबाइंड एफर्ट ऑफ, इट इज अ कंबाइंड प्रोसेस ऑफ क्या, हाई इंटेंशन, सिंसियर एफर्ट एंड इंटेलिजेंट एग्जीक्यूशन। तो फिर कहीं और मत जाइएगा, जुड़िएगा LNJEE यूट्यूब चैनल पर। आपको पता है डेट क्या है? जी हाँ, डेट है 11 December 2023। तो फिर मिलते हैं आप लोगों के संग फिर से LN की जे एडवांस सीरीज तेजस LNJEE यूट्यूब चैनल पे 11 December। तो मार्क द डेट।